दूर से रह रहा है क्या? ये फ्रेश है एकदम, बिल्कुल फ्रेश है, एब्सोल्युटली फ्रेश। करें साहब शुरू करें। करें साहब शुरू। हाँ दोस्तों धन्यवाद। आज कुछ दाल के बारे में बात होगी, और ये तड़के वाली दाल नहीं, इसमें तड़का रिवर्स डायरेक्शन में है। मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आज मोदी जी दाल और अनाजें उनकी सरकार खा भी रही है और खाने दे भी रही है, खिला भी रही है। दोस्तों भाजपा सरकार देखिए करती है कैसे कमाल, अपनी जेब भरने को खा गई है गरीबों की चावल और दाल। ये थीम है आज की, और ये थीम संबंधित है इस बात से कि पिछले आठ वर्षों में किन्ने किस नेता ने कैसे कमाया है माल छीन कर कटोरे से और कटोरी से रोटी और दाल। ये किस्सा और कहानी नाफेड के सिलसिले में शुरू होती है। जैसा आप जानते हैं ये एक राष्ट्रीय कोऑपरेटिव है जो कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो लाभार्थी होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उद्देश्य होता है उन कार्यक्रमों के लिए, उनको सहूलियत से सामान पहुंचाने के लिए बनाई गई है। अब जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ वो बहुत ही संक्षिप्त बात है, बड़ी सरल बात है, इसलिए पहले मैं आपको संक्षिप्त में समझा दूँ कि क्या बात है, जिसलिए मैंने ये अभी कुछ मुहावरे कसे। बात बड़ी सरल इसलिए है कि 2018 के पहले क्या नीति थी और 2018 के बाद किस प्रकार से एक नीति बदलाव करके इस सरकार के नाक के नीचे उन्होंने हजारों करोड़ रुपयों का घोटाला किया, बल्कि उसको प्रोत्साहन दिया, उसको फैसिलिटेट किया। ये ऐसे हुआ कि 2018 के पहले दाल के विषय में बड़ा एक सरल नियम था, इसी नाफेड के सिलसिले में। अगर उदाहरण के तौर पे 100 किलोग्राम चना उपलब्ध होता तो वो दिया जाता था जो लोग बिड करते थे उनको चने से दाल बनाने के लिए। वो बिड करते थे कि इस प्रक्रिया कि हम चने से दाल बनाएंगे इसके लिए आप सरकार हमें एक्स रुपया दीजिए। वो एक्स रुपया जो न्यूनतम बिड करता था उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था, रुपए के आधार पे था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि ये कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे लोएस्ट बिड होगी वो जीतेगी, L1। साथ साथ एक और कंडीशन थी कि मैं अगर 100 किलोग्राम इनको दे रहा हूँ तो उसमें से आप कितना निकाल के दाल देंगे वापस, 70 किलोग्राम की दाल निकालेंगे, 75 की निकालेंगे, 80 की निकालेंगे। और तीसरी कंडीशन महत्वपूर्ण थी कि इस दाल निकालने के आंकड़े में एक न्यूनतम मापदंड दिया था कि दाल तो निकालेंगे आप, हम आपको पे करेंगे और जो L1 होगा वो जीतेगा बिड, लेकिन दाल निकालेंगे आप तो वो कम से कम इतना, कभी 80 किलोग्राम, कभी 70 किलोग्राम, कभी 65 किलोग्राम की एक न्यूनतम मापदंड था, उससे कम आप दाल नहीं निकाल सकते। ये थी स्कीम पहले की, ये चल रही थी सरकार के आदेश के अंदर, नाफेड के आदेश के अंदर। इसको कहा जाता था फ्लोटर रेट या लोअर रेट प्रोसेस। इसमें एक अहमियत थी कि मिनिमम कितनी दाल निकालेंगे उसकी एक सीमा बंधी थी न्यूनतम लेवल पे। 2018 के बाद ये जो बदलाव हुआ नियम का, उससे ये स्कैम उजागर हुआ, उसके कारण ये स्कैम पैदा हुआ। बदलाव ये हुआ कि उन्होंने पहले तो L1 न्यूनतम वाली बिड का सिस्टम ख़त्म कर दिया। अगर मैं इनको 100 किलोग्राम चना दूंगा
और ये उसको कन्वर्ट करके दाल देंगे, तो इस प्रोसेस के लिए जो बिड करेंगे 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया, वो न्यूनतम बेसिस पे जीतेगा आदमी बिड। ये सिस्टम हट गया जो 18 के पहले था। दूसरा चेंज, अब ये बात हुई कि आप सिर्फ ये बताइए कि मैं आपको 100 किलोग्राम चना दे रहा हूँ, आप कितनी दाल निकाल के दोगे मेरे को, और जो सबसे ज़्यादा दाल निकालेगा उसको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट। ये 2018 के बाद के बदलाव है। ये दो सरल बदलाव थे। इससे घोटाला कैसे हुआ? सबसे बड़ा घोटाला इसमें इस कारण से हुआ कि जब मैंने कहा कि माननीय आपको मैं दे रहा हूँ 100 किलोग्राम, आप मुझे सबसे ज़्यादा कितना देंगे बताइए, तो मैंने एक न्यूनतम लिमिट नहीं रखी। जो न्यूनतम लिमिट पहले थी, तो आदमी अगर आपस में बड़े बड़े लोग कोई कार्टेल बना लें या एक सहूलियत के लिए साझेदारी बना लें, तो वो कह सकते हो इससे ज़्यादा हम निकाल नहीं सकते, 60 है सबसे हाईएस्ट। अब जो हाईएस्ट होगा 60 किलोग्राम, वो मानना पड़ेगा सरकार को। ये नहीं कहा कि भाई आप हमको बता सकते हैं हाईएस्ट कौन होगा, लेकिन न्यूनतम 70 होना चाहिए, न्यूनतम 75 होना चाहिए, न्यूनतम 80, वो हटा दी गई कंडीशन। दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये हुई कि लोएस्ट बिडर हट गया, क्योंकि अब बिडर के आधार पर होता नहीं था, अब होता था कि कौन कितनी दाल निकाल के देगा। नंबर तीन, इसका दुष्प्रभाव क्या हुआ? तीसरा दुष्प्रभाव ये था कि जो 10-15 बड़े मिलर होते हैं, ये इनके काबू में पूरा सिस्टम आ गया। जब आप 100 क्विंटल देते हैं, ये 100 किलोग्राम की मतलब ये 100 यूनिट की बात नहीं, 100 क्विंटल या 1000 क्विंटल होते थे, तो सिर्फ बड़े मिलर ही इसको जल्दी कर सकते थे, आसानी से कर सकते थे। बड़े मिलर 3-4 सिर्फ अगर साथ हो जाते तो आपको एक फिगर देते कि हम तो भाई 100 किलोग्राम का 60 ही बनाएंगे, और आपके पास कोई न्यूनतम मापदंड नहीं था कि भाई मिनिमम आपको 75 तो बनाना ही पड़ेगा। इस सब जो मैंने आपको प्रक्रिया समझाई, इसका पूरा फिगर जो CAG ने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके कारण जो नुकसान हुआ वो 4,600 करोड़, 2008 के बाद इस बदलाव से लगभग 4 साल में हुआ है, 4 साल से कम में, 2018 से 4 साल में, सॉरी 2018 से 22 के पहले 4,600 करोड़, लगभग 5.4 लाख टन का मामला था दालों का। अब कितना दाल में काला है, कितने चोर के दाढ़ी में तिनका है, कितना काला ही काला है उसमें ओकेजनल थोड़ी बहुत दाल है, या सिर्फ दाल में काला है, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। 4,500 करोड़, हम अभी 4.25 वर्ष की बात कर रहे हैं, और 2018 के बात कर रहे हैं। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये सरकार का है, सब कुछ सरकार, इस सरकार के दौरान हुआ है, एजेंसी सरकार की है, ऑडिटर सरकार का है, नाफेड सरकार का है, जहां तक नियंत्रण का सवाल है। अब इसके ऊपर लिखित रूप से विरोध भी हुआ कि आपने क्यों बदल दिया, आप वापस पुराना वाला करिए नियम जो मैंने आपको समझाया था। 2021 में ये लिखित रूप से 11 अक्टूबर 2021 में खुद नाफेड ने 11 अक्टूबर 2021 में ये विरोध किया लिखित रूप से चिट्ठी द्वारा। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, इस तारीख यानी अक्टूबर 2021 के बाद भी लगभग 875 करोड़ का और नुकसान हुआ है, क्योंकि नियम बदला नहीं गया है। अब मैं बाकी आपको आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोटी बात समझनी है। जो कालापन है इस दाल में वो 4,600 करोड़ का 4 वर्ष से कम में, 4.25 वर्ष में है। ये निकला कैसे बाहर? कई बार हमको कई चीज़ों के लिए कोविड का शुक्रिया देना पड़ता है, नहीं तो ये घोटाला चलता ही रहता। कोविड का शुक्रिया इसलिए क्योंकि कोविड के वक्त बात हुई कि कुछ दाल, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ मुफ्त में दिए जाएं, वितरण किए जाएं, असहाय लोगों को पहुंचाए जाएं। तब मालूम पड़ा, जब दाल पे ध्यान गया कि ये दाल नहीं, ये तो कालापन ही है सिर्फ, ये आटे में नमक नहीं, नमक में आटा है। दोस्तों, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने जुमले आपने सुने
कि हम ये कड़क रखेंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम ये किसी को नहीं खाने देंगे। और ये पिछले 7-8 साल से और 4 साल नियम बदलने के बाद आपके सबके नाक के नीचे चल रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है। हम जवाबदेही मांगते हैं, हम तुरंत दंड मांगते हैं, हम तुरंत ये लंबी लंबी कमिटीज नहीं चाहते हैं, लंबी लंबी प्रक्रियाएं नहीं चाहते हैं, हम परिणाम चाहते हैं। और एक सीधा, अब सीएजी से ज़्यादा तो कोई एडमिशन हो नहीं सकता। आप लोग सीएजी की बहुत दुहाई देते थे कई बार, तो अब सीएजी का ये एक यूनिट में एक बार 3 साल का ये ब्यौरा है। फ्रेंड्स, दिस इज ए टॉक अबाउट दाल, अ टॉक अबाउट दाल में कितना काला है या काले में कितनी दाल है, ए टॉक अबाउट आटे में नमक है, लेकिन यहाँ कहानी है नमक में आटा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ दाल की, बिकॉज आई बिलीव फ्रेंड्स दैट दिस स्कैम ऑफ पल्सेस एंड सीड्स इज अनकम्पैशनेट, अनफीलिंग एंड एन अनसिम्पथेटिक एक्ट। इट हाईलाइट्स द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन 10 years of far-reaching social welfare schemes, including Food Security Bill, which, by the way, I remind you, the Food Security Bill on the one hand versus the BJP's idea of food scam. And the Food Security Bill, by the way, was opposed, as every ameliorative social welfare measure was opposed by the then BJP. As I explained to you in Hindi, the scam is far too simple, and yet it was not caught. In fact, it was allowed to be going on with encouragement. It relates to the rule before 2018 versus the rule after 2018. In 2018 and prior, the rule was simple. I would give 100 kilos of chana to millers and ask them to convert it into dal. For this process of conversion, I would ask them to bid that what is the lowest charge you will make, Mr. Miller? I will pay you. I am the government. The millers, many of them would bid, and the lowest would get the bid, L1, because he said, I will convert chana into dal at this cost. Along with that, there was an important condition. There was a minimum level line below which you could not go, below which you could not go in the conversion. So if this gentleman here got the contract, he of course got money from me on his L1 bid. But equally, this gentleman was told that you have to extract minimum 75 kilo or 80 kilo or whatever, 60 kilo or 70 kilo from the chana I am giving you. You had a minimum limit. There are 3 conditions. After 18, what happened? The most important thing is that the minimum bottom line vanished. No minimum condition. If I give you 100, what you give me will be seen on a bidding basis, but no minimum is prescribed. Very important change. Second change, the money part was done away with. There was no L1. It became H1 because this time this gentleman would say, and the second gentleman, the third gentleman, the fourth gentleman, that we will convert 100 and give you 60, 70, 80, 90. Now, when you said that, whoever said I'll convert the maximum will get the contract. This is a simple change. Now, what is the disaster? A scam found by the CAG in your government under your nose for 3.5-4 years is 4,600 crores. How and why? A small group of millers found this new rule to be very easy to exploit. This rule favored big millers. So the millers would simply get together and say that, yes, we take it. Our highest offer is 60 kilograms per 100 kilograms you give me. The government had to agree. There was no low cost, etc. No ceiling was there in terms of the bottom line ceiling, not the top ceiling. The bottom line. So people could offer low figures. Anyway, that doesn't concern you because the net result of this change of rule, estimated by your authorities, a constitutional authority, was 4,600 crores.
in the period 2018 to 4600 from 2018 to just now in 2021, which is less than 4 years. In fact, the irony is that NAFED itself, in writing by a letter dated 11th October 2021, just a few months ago, opposed the rule and said, for God's sake, please change the rule back to the original. The estimate finds that even after this objection by NAFED in October 2021, the further ghotala for the period after October 2021 is approximately 875 crores. Friends, the detail is not important. The important thing is that here is a government which is cheating on food products, which is allowing crooks to exploit something as basic as dal. By the way, we have some things to thank COVID for. The scam might not have been unearthed so easily, but for COVID, when there was talk of giving free distribution or low-cost distribution of dal, which is what has unearthed this scam. It's a huge scam. I don't think the facts are out before us. I don't think that this is possibly even a partial part of the iceberg. We call upon, number one, we demand a full disclosure immediately. Number two, and more important, we demand punishment at the highest levels immediately. Number three, we demand a comprehensive report on how this was allowed, and we condemn this. We call upon public opinion to condemn it. But above all, this shows the true nature of this government. As I said, between the food security of the UPA, which you then opposed, versus the food scam of your government. Thank you. There are details, but that is not a matter of debate because everybody knows who company bid, who company, which company got it. Where is the question of getting into that? The question is of system. If I give you a system which you can exploit, you will exploit it. It is my job to ensure, I will not say foolproof, but to ensure a system which is very difficult to break. Here the funny part is that you had a system which was relatively better. You changed it in 2018 and you allowed it to flourish. ये वाला दाल वाली बात है जिसको कन्वर्ट करना होता है दाल के लिए एडिबल ऑयल हाँ बिल्कुल 600 करोड़ 2000 बिल्कुल आपने सही फरमाया आई एम डीलिंग टुडे इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस ओनली विद द नैफेड्स इशू पोस्ट 2018 रिफ्लेक्टिंग अ 4600 करोड़ फिगर बाय दिस रिपोर्ट. I mean, there must be other, no CAG report limited to one issue, but we are concerned in this press conference with this straight issue. Matlab, main date aapko de dunga, but relatively recently. Shayal hai sir, 4600. एग्जैक्टली अब आप देखिए ये घोटाला नहीं होगा अगर मैं आपको 100 किलो को दूंगा और आप इसको बदलेंगे सिर्फ 60 किलो की चने दाल में और कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे तो पांच बड़े मिलर न्यूनतम तो कोई लिमिट है नहीं पूरा खा जाएंगे और आप क्या करेंगे कि आप 100 लेके चना 60 तो देंगे आपको जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है बाकी 40 या 30 जो बनाएंगे आप बाहर बेचेंगे मार्केट. तो देखिए ना घोटाला आपकी परिभाषा से घोटाला थोड़ी होता है सिर्फ पैसे से घोटाला होता है क्या अगर मैं पैसे की एवज में आपको ये पेन दूंगा तो घोटाला नहीं है क्या. सीधी बात है अगर 100 किलोग्राम में ये मान्यवर जो मेरे साथ बैठे हैं मुझे 60 देते हैं और 20 आगे बेच देते हैं आपने न्यूनतम लाइन नहीं रखी है तो इनके ऊपर क्या अंकुश है. इसकी जरूरी थोड़ी कि पैसे का लेन देन हो बल्कि ये तो वर्ष है आप
लेन देन किसका कर रहे हैं? दाल का, और दाल में काले का, और काले का ज्यादा, दाल का कम। या आई थिंक वी फिनिश्ड। एनीबडी ऑन द सो मोटू? ओके, दैट यू आर प्रेजेंट आफ्टर वेरी लॉन्ग एब्सेंस शोज दैट यू आर, लेट्स होप दैट यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन कवरिंग प्रेस ब्रीफिंग्स। टेल मी, see the Congress for the last 3 days has answered very diverse forms of the same question. Why should I answer it again? There's no need. Let me say that I reiterate on record whatever we have said just yesterday, I believe, or day before yesterday, this was briefing on this. So why do you want variations on this? I have nothing to add, nothing to subtract. The subjective adjectives is of course your prerogative to use. Happy, sad, super happy, super sad, these are your adjectives. Now petrol prices, you have already got some material, but I must, yes. It's very unfortunate. I mean, this is really, really unfortunate, and most of all that it is coming from high government functionaries. They should not insult your intelligence, my intelligence, and the intelligence of the average man of India. We had given out to you figures, forget all the details. Simple figure is, A, total how much have you gorged and gobbled up, Mr. Central Government? The figure is massive, one. Two, is that figure higher than all the poor states have been scrounging around for? Answer is yes. So the first figure is approximately 27 to 29 lakh crore. It is nobody's case that the states have got anything resembling that. Number three, you don't give several states their grants. Some fantastic figure of 87,000 crore was stated by West Bengal. Bihar is your own coalition government has been shouting. On the one hand, you don't give that. On the other hand, the poor state is scrounging for a little bit of money by the VAT. You are saying you close the VAT or you reduce the VAT, I will not touch my 27 lakh crores. Is this not insulting your intelligence? You know, you can keep on saying that Assam did not reduce by 1 rupee, Rajasthan did not reduce by 2 rupees. That's not relevant. Let's talk of the larger picture. You will not give even an honest, minute fraction of your 27 lakh crores. But you will blame people who are scrounging around for pennies. And for an individual state, you know very well what is the lifeblood. The survival, even those states are reducing by 1 rupee. Somebody is reducing by 2 rupees. तो आप अपने गिरेबान पे झांकने को तैयार नहीं हैं। आप ये मान के चल रहे हैं कि आरोप पहले करो जब गलती आपकी है। आप उल्टा चोर कोतवाल के डांटने वाली चीज कर रहे हो। आप ये नहीं बताते देश को कि 27 से 29 लाख करोड़, ये आंकड़ा आपको ध्यान में होना चाहिए। एडमिटेडली मैं 27 मानता हूँ, 29 को छोड़ दीजिए, 27 ले लीजिए। 27 लाख करोड़ रुपया आपने समेटा है। आप ये नहीं बताते हैं कि पूरे स्टेट भारत के जोड़ लें तो भी उन्होंने इसका एक आंशिक रूप नहीं लिया है। और आप कहते हो कि अमुक स्टेट में वैट कम नहीं हो रहा है, और वो स्टेट आप चुनते हो कि कांग्रेस शासित स्टेट है। अरे भाई, जब स्टेट्स को अपने ग्रांट पूरे नहीं मिल रहे हैं, कोविड के कारण मारामारी हो रही है, पैसे की कमी है, तो आप उसको पहले कह रहे हो कि कम करे अपना वैट। मैं अपना 27 लाख करोड़ कुछ भी देने वाला नहीं हूं। ये कहां की बहकाना, बरगलाना, ये समझना कि या तो जो लोग आपके श्रोता हैं वो उनमें कोई अकल ही नहीं है, या वो घास खाते हैं, या जो भी आप बोलेंगे वो मान लेंगे, ये दुर्भाग्य है। अरे भाई, पश्चिम बंगाल का आंकड़ा 87,000 करोड़ है, आई रिमेम्बर, है 98 करोड़ है, मैं 87 याद आ रहा था मुझे, ये 98 कह रहे हैं, आप कह रहे हैं महाराष्ट्र का 67 है।
ये आंकड़ों का मतलब एक तरफ तो, अच्छा इनके स्टेट्स में और क्या तरीका है इनको लाने का, तो ये तो बहुत ही गलत बात है और ये क्रूर है, ये अपमानित करने वाली बात है, ये बरगलाने और मिसलीड करने वाली बात है। आई एग्री देयर आर अदर प्रॉब्लम्स बट इन द लार्जर ऑब्जेक्ट दैट वॉज द ऑब्जेक्ट, इन द लार्जर ऑब्जेक्ट वी मस्ट रीच अ स्टेज वेर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 95% or 99% आर अंडर GST, बट वॉट आर द फैक्ट्स? Of course, I am not repeating that for vigorously till 2014 you opposed GST. That we are not talking about. Vigorously, as Chief Minister, as opposition party, whatever. But forget that. Today, till such time as you are not, who is the GST today? Central government? If you want to bring it, who is stopping you? It is your job to generate a consensus of the GST Council. That's point number two. Number three. Till such time as you bring it on GST, the arrears of compensatory amount payable decided already by the GST Council that you, Mr. will get 10 rupees, you, Mr. will get 5 rupees, you, Mr. will get 20 rupees, that is not being paid for years. The figures are known. GST Council has decided that state X for compensation will get rupees Y. Decided years ago, months ago. Please ask, have they paid that? तो आप एक तरफ से वो मुआवजा, द वर्ड इज मुआवजा एक्चुअली रीइंबर्समेंट, जो आपने सहमति कर ली है उसको नहीं देते हो और आप हमको सबक सिखाते हो, सीख देते हो, उपदेश देते हो, वो बेचारा स्टेट क्या करेगा? उसको आप वैसे ओवरऑल लार्जर जो ग्रांट्स नहीं देते हो, 98,000 करोड़ हो या 64,000 करोड़ हो, उसको वो वाला मुआवजा नहीं देते हो, तो GST काउंसिल ने निर्णित कर लिया है। उसको ये पूछते हो सिर्फ कि आपने 1 रुपए से कम किया, 5 रुपए से कम क्यों नहीं किया, और 27 लाख करोड़ में से आप कुछ नहीं करते हो। मैं तो यहां तक अभी घोषणा करने को तैयार हूं कि आप जितने भी सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस हैं उनको आप 2014 के लेवल पे ले आइए, या जो आप बार बार बोलते हो सबको ले आइए GST के अंदर। सिर्फ ये आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक रंग के आधार पर नहीं हो सकता। एक स्टेट को पकड़ लिया, उसका राजनीतिक रंग देख लिया और आरोप कर दिया। First of all, there is factually wrong. I can't talk of individual states, but there are several states. I have the figures here, which have reduced petrol and diesel by Rajasthan included. Many states have reduced, Maharashtra included. So I cannot. I mean, this is complete falsehood. Number two, the states individually have different choices. In a state like, suppose that figure of 87 or 98 is correct, I'm not talking of West Bengal, I'm saying any state, how can it be expected to reduce just when the central government reduces? You are not seeing it contextually. अरे भाई आपका पैसा आपने कल रिड्यूस कर दिया तो इमीडिएटली मैं रिड्यूस थोड़ी कर सकता हूँ। ये बरगलाने की टेक्निक्स है। दिस इज अ वे ऑफ मिसलीडिंग द नेशन। द मैक्रो पिक्चर इज इंपॉर्टेंट, नॉट स्टेट वाइज। The macro picture, I repeat in ending, that 2014 levels, are you prepared to go back to? Answer, no. B, 27 lakh crores overall, is it many times more than all the states put together? Answer, yes. Three, grants in aid outstanding of state governments, total it. Four, reimbursement of GST. Just answer these four questions at the macro level. See, for the last many years, especially 5 years, if not 7 or 8 years, we are seeing new debates cropping up every day. All the debates have different names. According to me, they have only one common name. What is that common name? You can call a debate Barka, you can call the debate Halal, you can call the debate religion, you can call the debate language, but the language is only one: divisiveness.
दिस इज द नेम ऑफ एवरी डिबेट. आई वॉन्ट टू रिस्पेक्टफुली रिमाइंड माननीय मोदी जी एंड हिज गवर्नमेंट दैट वी यूज टू हैव लैंग्वेज रायट्स इन द 60s. अ थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला वॉज इन डिवाइस एट दैट टाइम. मर्सीफुली वी हैव नॉट हैड फॉर ऑलमोस्ट रफली 50 to 60 years दीज प्रॉब्लम्स. यू आर हियर ओनली टू डिलिबरेटली इग्नाइट divisiveness. You want divisiveness. You are searching for divisiveness. And you talk of nationalism. There is no better form of nationalism than eschewing divisiveness. Each day a new debate, which you may call a different name, it's an invented, created, non-existent debate. It suits them that I engage in that debate. It suits them that you engage in that debate. The three language formula has stood the test of time. Whenever you have imposed Hindi, it has never worked. I always give the example of Hindi channels in our country. The amount they've done for Hindi in 10 years is more than any government can do in 70 years. Because there, in a natural, spontaneous way, whether I am a Tamilian or he is a Kannadiga or you are a Telugu or I am a Bihari, we go and speak what we like in a tuta futa open bhasha. That is what is unity. Here you are saying, I will make you conscious that you are not Hindi speaking. I will ram it down your throat. I will make sure that you speak only in Hindi. Is this the way to govern a country like India? Thank you. Thank you. Thank you.